हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड से किसी के भी खाते का बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो अगर आप जो है सीखना चाहते हैं कि आधार कार्ड नंबर से किसी के भी खाते का बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, कि उसके खाते में कितने रुपए हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरु चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप किसी के भी आधार कार्ड से उसके खाते से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर, आधार कार्ड से अगर किसी का बैंक बैलेंस चेक करना हो, किसी के खाते का पैसा चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूं कि आप आधार कार्ड से ही, सिर्फ अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डाल करके उसके खाते का बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर पे सबसे पहले आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद जो है आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जो है आपके फोन में ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आपको यूजर नेम डालना है और यूजर नेम डालने के बाद कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो है आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पासवर्ड डालने के बाद आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास जो है यूजर नेम नहीं है और ना ही पासवर्ड है, तो यूजर नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा उसकी जानकारी के लिए ऊपर एक आई बटन में वीडियो मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। या फिर अगर आपने जो है वो वीडियो देखा है कि आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, तो आपने अब तक जो है यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप ये तो सीख ही सकते हैं कि आधार कार्ड से किसी का पैसा कैसे निकाला जाता है, और साथ में आप ये भी सीख जाएंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो चलिए हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यूजर नेम डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम डाल करके, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप किसी के भी आधार कार्ड से उसके खाते का बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एपीएस का, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, थोड़ा सा इसको लोड लेने देना है आपको। इसके बाद जो देखिए यहाँ पर जो है APS का मेनू खुल जाएगा और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा APS बैलेंस इंक्वायरी। देख सकते हो ये थर्ड नंबर पे है, आपको जो है बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है बैंक का नेम जो है सेलेक्ट करना है। आप जिसके भी आधार कार्ड से उसके खाते का बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका खाता किस बैंक अकाउंट में खुला हुआ है। जिस भी बैंक में उसने अपना खाता खुलवाया है उसी बैंक को आपको यहाँ पर क्लिक करके सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो खाता है यूको बैंक में है, तो आप सीधा सीधा टाइप करना शुरू करेंगे यूको, तो यहाँ पर यूको बैंक आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका खाता जो है स्टेट बैंक में है, तो आप स्टेट बैंक सीधा सीधा टाइप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है मान लीजिए आपका खाता जो है HDFC बैंक में है, तो आप HDFC टाइप करेंगे। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी बैंक इस समय काम कर रहे हैं उन सभी की बैंक की लिस्ट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं जिसके आधार कार्ड से उसके खाते का बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, उसका जो खाता खुला है वो यूनियन बैंक अकाउंट में खुला है, तो मैं जो है यहाँ पर यूनियन सीधा सीधा टाइप करना शुरू करूंगा। यहाँ पर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है हमने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की साइड में हमसे जो है मांगा गया है आधार नंबर, तो इसके अंदर हमको क्लिक करना है और इसके अंदर अब हमको जो है आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको जो है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपकी डिटेल दिखाई देगी, इसको आपको कंफर्म कर लेना है कि आपने कौन सा बैंक सेलेक्ट किया है, आधार नंबर कौन सा है। नीचे की साइड में आपको जो है एक नेक्स्ट का भी ऑप्शन दिखाई देगा, फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपको ऑथेंटिकेट कराना होगा कि जो आपने आधार नंबर डाला है वो सही व्यक्ति का है या फिर किसी भी दूसरे
दूसरे व्यक्ति का आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक की जानकारी आप किसी दूसरे की चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उस व्यक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि यहाँ पर जो है, मैं जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने वाला हूँ, तो उस व्यक्ति की मुझे जो है फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ने वाली है। और फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का जो है कंसल्ट को आपको जो है इस पर क्लिक करके चेक कर देना है। और नीचे की साइड में आपको जो है ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपके पास जो है एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी होना चाहिए। अगर आपने जो है आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं अगर वो वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर भी मैंने आपको जो है इस फिंगरप्रिंट डिवाइस के बारे में पूरा कंप्लीट बताया था कि किस तरीके से इसको सेटअप वगैरह करना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर भी हम लोग जो है पूरा कंप्लीट इसका सेटअप वगैरह सीख लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में अभी के टाइम में रखते हैं। देखिए, ये हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस है और इसके अंदर जो है इस तरीके से एक OTG कनेक्शन दिया हुआ है। ये हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस का है और इसके अंदर हम लोग इस तरीके से इसको अटैच करते हैं। और जो ये बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम अपने मोबाइल के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल के साथ भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमारा जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अभी ये जो है सपोर्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे सीधा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की साइड में आना है। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग के क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए OTG कनेक्शन दिया है, आपको इसको टिक कर देना है। OTG कनेक्शन टिक करने के बाद देखिए ये हमारा जो है मित्रा जो है मंत्रा का RDG सर्विस को उठा लिया है, इसको हम जो है ओके कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो है सक्सेसफुल का भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब हमको पूरी तरीके से बैक आ जाना है और जो हमने ये एप्लीकेशन ओपन की थी इसको फिर से इसी तरीके से ओपन कर लेना है। अब हमको जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर फिर से आपको जो है ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो है यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है इसको अटैच होने में, तब तक आपको वेट करना है। इस पर दोबारा से क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइट जल चुकी है। हम इस पर जो है अंगूठा रख देंगे, जिसका भी आधार कार्ड से पैसा चेक कर रहे हैं। अंगूठा या उंगली जो भी रखोगे इस तरीके से कैप्चर कर लेगा। अब आपको जो है नीचे की साइड में आना है। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो है प्रोसेसिंग चलेगी, तब तक जो है आपको थोड़ा सा वेट करना है। और इसके बाद जो है आपके खाते का बैलेंस जो है इस तरीके से दिखा देगा। तो यहाँ पर मैंने जो है खाते का बैलेंस थोड़ा सा हाइड कर दिया है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ गया है। और इस तरीके से अगर आपका दिखा रहा है तो अब जो है आपने खाते का बैलेंस चेक कर लिया है। जिसका भी आधार नंबर आप डालेंगे उसका खाते का बैलेंस बता देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप किसी के भी आधार कार्ड नंबर से उसके खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका यूजर नेम और पासवर्ड बनवा लिया है, तो अब जो है आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आधार कार्ड की सर्विस दे करके, यानी आधार कार्ड से लोगों के पैसे भी निकाल सकते हो, लोगों के पैसे चेक भी कर सकते हो, पैसे जमा भी कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप जो है ये सारी सर्विस कस्टमर को दे करके यहाँ से महीने के अच्छे खासे रुपए भी कमा सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है विड्रॉल का भी ऑप्शन है, मिनी स्टेटमेंट का भी है, बैलेंस इंक्वायरी है और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो है आप कस्टमर के खाते में पैसे भी जमा कर सकते हो। इसके अलावा रिचार्ज वगैरह की भी सारी सुविधाएं इस एप्लीकेशन में दी गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दी है कि आप जो है कैसे किसी के भी आधार कार्ड से उसके खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।